And she kindly invited me to speak at this event. I'm very grateful to her. Development के लिए हमें दोनों मर्द औरत दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए. Students enrollment user वो girls student का है. तो ये इस दिन को इस दिन को मनाएंगे. तो today we have some experts such as Dr. Nasreen. और केस डजिया मैम और प्रिंसिपल मैम वाज आल्सो देयर. सो दे ऑल आर शेयरिंग देयर मींस क्या क्या उनके जो है एकम्प्लिशमेंट्स हैं, व्हाट मींस क्या चीज़ जो है उनको इंस्पायर किया. तो दे ऑल आर इंस्पायरिंग टू अस. तो मैं यही कहूँगी हमारी सोसाइटी के जो वुमेंस हैं, वी आर फॉर्चुनेट इनफ इफ़ वी आर कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर विद advanced states such as Haryana ya baki jammu se, we are more better, we are more privileged to being born in this society. Kyunki hame pata hai ki hamare yahan pe hone ke bawajood bhi hamare yahan pe aise cases hame nahi dikhte hain ki dowry cases ya girls feticide ya infanticide jo ki wahan pe dikh raha hai. To it's also an opportunity for we people to being born here. So main ye kahungi ki when opportunity knocks we should never deny. Hame is opportunity ko walk out, us pe walk out karna hai aur को मेक यूज़ करना है ताकि अपने फर्दर जो है हम इसको किस तरह से अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें. जी हमारे कॉलेज में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में प्रिंसिपल मैम की डायरेक्शन से सेमिनार और कल्चर कमेटी ने हमने ये कोशिश की है, अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है वुमेन को इज्जत देने की, उनकी अजमत को उजागर करने की. तो वुमेन को मैं यही कहूँगा कि वो किसी भी फील्ड में, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं है. मैंने पहले भी यहाँ पे भी कहा, वेलकम स्पीच में भी, हमारे यहाँ भी करगिल में भी, लद्दाख में भी, लद्दाख यूटी में भी, करगिल जैसे दूरफ्तदा इलाक़े में भी हमारे ख़वातीन मर्दों से शाना बशाना कदम से कदम मिला के चल रहा है. बल्कि यूँ कहूँगा कि कुछ फील्ड्स में एग्ज़ाम्स में आप देखते हैं हमारे तालिबात जो है वो एक कदम आगे बढ़ रही है. नेशनल वुमन डे इज अ बिग डे फॉर इन द ऑनर ऑफ वुमन फोक ऑफ द वर्ल्ड. एंड आज का जो हमारा थीम था वुमन एम्पावरमेंट, ये इंटरनेशनल वुमन डे पे आई एम जनरेटिंग एम्पावरमेंट एंड वर्किंग फॉर माय राइट्स. तो इस वुमन डे पे मैं इतना कहूँगी कि जो मैं वुमन एजुकेशन और वुमन एम्पावरमेंट के लिए द मेन इंस्ट्रूमेंट, मेन टूल एंड माइलस्टोन दैट इज़ एजुकेशन, तो मैं ये इंफॉर्मेशन और ये पैगाम देना चाहूँगी अपनी पूरी जनरेशन को, अपने पेरेंट्स को, उन मतलब फैमिलीज़ को, कि अपनी बेटियों को एक बेस्ट एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन दे दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपनी सोसाइटी, अपनी नेशन, अपनी फैमिली के लिए वो काम करें. चीज़ को मैं इस तरह कहूँगी कि मतलब पहले कंट्री में वुमेंस को आगे बढ़ाना नहीं दिया जाता था, लेकिन इट इज़ द हम कहेंगे एक मेहनत और लगन कुछ फैमिलीज़ की, कुछ लोगों के, कुछ लीडर्स का, जिन्होंने औरतों को आगे आने दे दिया और कुछ फैमिलीज़ ने अपने सपोर्ट्स देके औरतों को आगे ले दिया. और वो औरतें रिस्पॉन्सिबल हैं बाकी लड़कियों को कॉलेज स्कूल्स में लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया, उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने नेशन को आगे कर सकते हैं.